हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का थर्ड पार्ट होगा, मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ पार्ट। हाँ, थर्ड पार्ट होगा। आज जो है हम एक तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम करेंगे और एक करेंगे प्लेट प्रॉब्लम। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट साथ, ठीक है ना? तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक रखा होता है तब उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है। तो आपको पता है जब पैरेलल प्लेटों के बीच में एयर होता है तब उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, हमें पता है। अब डाइलेक्ट्रिक के साथ बहुत सारे कैपेसिटर्स होंगे, उनका भी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो इनको भी हमें सीखना है। और फिर उसके बाद हम करेंगे प्लेट प्रॉब्लम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है। तो बहुत ही ध्यान से अपने को समझना है, ठीक है ना? एक तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम और एक प्लेट प्रॉब्लम। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पार्ट थ्री हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम, डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम, देखिए दो बेसिक आपको ध्यान रखने, बहुत ध्यान समझिए। हमने पढ़ाया हुआ है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस तरह से, ये तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस अच्छे से याद होना चाहिए सबको, और ये होता है एरिया ऑफ द प्लेट, होता है एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है ना? अब इस प्लेटों के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, एयर है, तो सी एयर जो होता है, एयर में कैपेसिटेंस होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी। सबको पता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी। फिर हमने बताया था जब प्लेटों के बीच में, ध्यान से समझना है एक चीज, जब प्लेटो बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया इस तरह से, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर या मैंने कहा था के भी हो सकता है। अब जो कैपेसिटेंस होती है मीडियम में उसका फार्मूला ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन बी। ये दो बेसिक फार्मूले हैं जो हमें लगाना है, ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान से रखना। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना? अच्छा एक चीज और बता दें, मैं जो भी बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। कई बार क्या होता है, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर इस कैपेसिटर को हम ऐसे बना दें, ये डी हो गया, अब ये ए हो गया, एक ही बात है, ऐसे बनाओ एक ही बात है, घुमा के बना दिया ना आपको। तो ये डी पर रखना है प्लेटों के बीच की डिस्टेंस और एरिया ऑफ द प्लेट पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आप अभी कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये बेसिक है, प्लेटों के बीच में एयर है तो कैपेसिटेंस का फार्मूला ये है, प्लेटों के बीच में मीडियम है तो कैपेसिटेंस का फार्मूला ये है। अब हम इसमें कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ठीक है ना? ये बेसिक था, अब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। चलिए देखिए कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम दो तीन प्रॉब्लम ले लेते हैं, हम दो तीन प्रॉब्लम ले लेते हैं अपने आप के लिए। देखिए जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन ये है, ये डी वाई टू और ये डी वाई टू, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बताया था। अब हमने इस तरह से आधी आधी सिचुएशन में एक डाइलेक्ट्रिक यहां रख दिया और एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहां रख दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर वन है और इसका एप्सिलॉन आर टू। अब हमें बताना है इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा। अब हमें पता, ध्यान समझिए, कि ये एक कैपेसिटर था लेकिन हमने दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिए, तो ये दो अलग अलग कैपेसिटर बन गए, एक इधर वाला, ये वाला, ये वाला डी बाई टू थिकनेस वाला और एक दूसरा डी बाई टू थिकनेस वाला। अब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ध्यान समझिए, इसका इधर वाला कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस सी वन मान लेते हैं, फार्मूला भी मैंने क्या बताया था यहाँ पर, ए
एप्साइलन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है एप्साइलन आर वन अपॉन डी बाई टू। अभी मैंने बताया था इस तरह से ये कॉन्सेप्ट था, जब डाइलेक्ट्रिक भरा होता है इस तरह से तो ए एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर अपॉन डी फार्मूला था ना, तो इतने से के लिए लगा दिया हमने। ये वाला देखो ना, ये वाला एक अलग कैपेसिटर है, दूसरा वाला कैपेसिटर ये बन गया है, तो C1 इतना हो गया C2, इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे तो A epsilon naught epsilon R2 upon D by 2, डिस्टेंस ये D by 2 और ये D by 2 से डिस्टेंस के लिए D by 2 आ गया। अब हमें ये देखना कि ये जो C1 और C2 है ये सीरीज में है या पैरेलल में, क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस निकाला, एक कैपेसिटर था हमने दो में पार्ट में डिवाइड कर दिया अलग-अलग डाइलेक्ट्रिक भर के, दो कैपेसिटर बन गए। अब हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना, तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में, तो एक चीज याद रखना ये लिख देता हूं नोट, इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डिवाइडेड, अगर प्लेटों के बीच में डिस्टेंस डिवाइड हो रही, मतलब किस तरह से डाइलेक्ट्रिक भरा, जैसे डिस्टेंस डी थी तो हमने पहला डाइलेक्ट्रिक भरा डी वाई टू में, अगला डाइलेक्ट्रिक डी वाई टू में, आप और भी ज्यादा भर सकते हैं, तो प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक इस तरह से भरा कि डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, इतनी डिस्टेंस में ये डाइलेक्ट्रिक है, इतनी डिस्टेंस में ये, इतनी डिस्टेंस में ये, तो इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डिवाइडेड, तो जो कैपेसिटर्स बन रहे हैं जैसे एक ये कैपेसिटर एक ये कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक जो भरा है देखो डिस्टेंस डी बाई टू में ये, डी बाई टू में डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, एरिया नहीं डिवाइड हो रहा, देखो ये जो डाइलेक्ट्रिक भरा इसने पूरा एरिया कवर किया, इस डाइलेक्ट्रिक ने भी पूरा एरिया कवर किया, मतलब ना ये एरिया होता है ऊपर से नीचे तक, तो एरिया तो पूरा कवर कर रहा है मीडियम जो भी भरा आपने, ये जो डाइलेक्ट्रिक भरा है इसने पूरा एरिया प्लेट का कवर किया है, डिस्टेंस आदि कवर की है, इसने भी पूरा एरिया कवर किया है, डिस्टेंस आदि कवर की, तो यहाँ डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, तो इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डिवाइडेड तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज में है कैपेसिटर। और दूसरा पॉइंट, इफ एरिया इज डिवाइडेड, अभी हम बताएंगे, तो कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल। ये दोनों बातें याद कर लो कि प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक अगर इस तरह से भरा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डिवाइडेड, तो जितने भी कैपेसिटर हैं वो सीरीज में लगे इसका मतलब, और अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में, तो यहाँ पर क्या होगा नीचे नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसका मतलब ये जो सिचुएशन हमें दी गई वाली, इसमें दो कैपेसिटर है एक C1 और एक C2, एरिया डिवाइड नहीं हो रहा था या डिस्टेंस डिवाइड हुई थी, इसका मतलब C1 C2 दोनों किस में है सीरीज में। अब C1 एंड C2 आर इन सीरीज, जब दोनों सीरीज में तो सीरीज का फार्मूला क्या होता है 1 upon C equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2, लगा तो सॉल्व कर लो उसे हो गया। तो देखिए 1 upon C1 करेगी, ये दो तो पहले से ऊपर पहुंच गया, इसको ऐसे लिख सकते 2 a epsilon naught epsilon r1 upon d, ये 2 नीचे ऊपर पहुंच गया, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2a epsilon naught epsilon r2 upon ये c2 है, ये c1 है। अब c1 c2 सीरीज में फार्मूला लगा दिया, अब वैल्यू डाल दो c1 1 upon c1 है तो d upon 2a epsilon naught epsilon r1 plus d upon 2a epsilon naught epsilon r2। अब d upon 2a epsilon naught कॉमन आ गया, d upon 2a बचेगा 1 upon epsilon r1 plus 1 upon epsilon r2, ये d upon 2a epsilon naught LCM epsilon r1 epsilon r2 LCM आ गया epsilon r2 plus epsilon r1, ये 1 upon c है, पलट दो तो सी आ जाएगा। ध्यान रखना हमने कहा था ये डाइलेक्ट्रिक जो है ना एप्सिलॉन आर वन एप्सिलॉन के1 के2 हो सकता है, जो भी डाइलेक्ट्रिक होगा वो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह लगेगा, ये मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बता दिया था, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो लेक्चर सारे आपको देखने तो आपको ज्यादा आसान रहेगी। ये वन अपॉन सी है तो सी बराबर कितना आ जाएगा पलट दो
सी बराबर आ जाएगा 2a epsilon naught upon d, पलट दिया epsilon r1 epsilon r2 upon epsilon r1 plus epsilon r2, हो गया क्वेश्चन। तो अगर इस तरह से डाइलेक्ट्रिक भरा तो ये है, आप देखो इसमें बहुत सारे वेरिएशन, हमने कहा ना हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं आज। जितने क्वेश्चन करोगे उतने ही ज्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे आप लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच डिस्टेंस ये डी होती है और ये एरिया होता है ए। अब देखिए ये एप्सिलॉन आर वन और एप्सिलॉन आर टू, अब जो हमने डाइलेक्ट्रिक भरा, देखिए जैसे ये वाला डाइलेक्ट्रिक भरा एप्सिलॉन आर, इसने डिस्टेंस तो पूरी कवर की है, यहां से यहां तक भरा है, एरिया आधा ही कवर किया प्लेट का, मतलब ये वाला डाइलेक्ट्रिक है ये ए बाई टू एरिया में है और ये वाला भी, क्योंकि टोटल एरिया यहां से यहां तक कितना होता है ए, मैंने पहले बताया था बेसिक, ये एरिया होता है ये डिस्टेंस होती है। डाइलेक्ट्रिक देखो भरा है वो डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है या एरिया डिवाइड हो रहा है, एरिया डिवाइड हो रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक जो भरा है ये वाला से पूरा डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां तक है वही, यहां से यहां तक है, एरिया आधा आधा कवर किया। तो अब यहां पर दोनों कैपेसिटर किसमें होंगे, पैरेलल, वहां नोट लिखा था अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल, डिस्टेंस डिवाइड हो रही है तो सीरीज। अब इसका कैपेसिटेंस निकालो इस वाले का, ऊपर वाले का सी1 बराबर कितना आएगा, फार्मूला वही ए, ए की जगह क्या आएगा ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वन अपॉन डी, डी की जगह तो डी आएगा, बस ए की जगह क्या गया ए बाई टू, अभी इससे पहले क्वेश्चन में ए की जगह ए था, डी की जगह क्या था डी बाई टू, बस ऐसे सी टू निकालो इसका, सी टू बराबर सेम ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टू अपॉन डी, सी वन सी टू आ गया। अब सी वन एंड सी टू आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस सीधा सीधा जोड़ दो आंसर आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा E by 2 epsilon naught upon D ब्रैकेट में epsilon R1 प्लस epsilon, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है। चलिए और वेरिएशन देखते हैं, नोट करो फटाफट, इस साथ साथ नोट किया करो ना। चलिए क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सिचुएशन बता रहा हूं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी प्लेटों में कितना है एयर, अब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस डी है, कैपेसिटेंस बोलो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब क्वेश्चन कह रहा आधे में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, आधे में एरिया डिवाइड करते हुए डाइलेक्ट्रिक भर दिया, अब सिचुएशन नंबर वन है, अब सिचुएशन नंबर टू ये है, कितने में डायरेक्टली भर दिया एप्सिलॉन आर, इतना खाली है, अब यहाँ की कैपेसिटेंस कितना होगा, अब यहाँ तो दो पैरेलल बन गए ना, जैसे ही आपने आधे में डायरेक्टिक भरा और आधा खाली छोड़ दिया, अब दो कैपेसिटर बन गए, एक ये सी वन और एक ये सी टू, इसको तो नंबर एक दे दो, भले एक नंबर, अब यहाँ निकालो कैपेसिटेंस इसका वाले का, इस वाले का देखो, इसका सी वन बराबर ए की जगह ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन
वी आएगा, नीचे वाले का निकालो खाली वाले का, सी टू बराबर ए बाई टू, एक जगह ए बाई टू आएगा, आधा एरिया दिए लेकिन आधा ही बचा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ एप्सिलॉन आर नहीं आएगा, इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अब ये सी वन और सी टू किसमें पैरेलल में, तो सी इफेक्टिव कितना आएगा, सी इफेक्टिव या सी डैश नाम दे दो इसको, सी वन प्लस सी टू, सी वन प्लस सी टू करो, ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कॉमन आ गया, ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कॉमन आ गया, कितना बचेगा एप्सिलॉन आर प्लस ये सी डैश आ गया। पहली सिचुएशन ये थी, दूसरी सिचुएशन ये है, पहले पूरे में एयर थी, कैपेसिटेंस ये होती, फिर आधे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया हमने, तो आधे में डाइलेक्ट्रिक भरने मतलब ये दो पार्ट हो गए, तो दो कैपेसिटर बन गए, ऊपर वाला नीचे वाला, सी वन सी टू निकाल के, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्योंकि एरिया डिवाइड हो रहा, आधे एरिया वो आधे एरिया में खाली, सी वन प्लस सी टू लगा दिया। अब ये सीधा, अब इनका रेशियो पूछा जाता है, इनका रेशियो निकाल दो आप, अगर हम सी डैश अपॉन सी करेंगे, अब आप देखो गौर से, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये तो सी है, आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख दो, जो सी डैश बराबर आया है वो सी बाई टू, ये सी हो गया बाई टू एप्सिलॉन आर प्लस, या सी डैश अपॉन सी निकालना है एप्सिलॉन आर प्लस वन अपॉन। तो क्वेश्चन में बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर है, कैपेसिटेंस उसका सी है, देन हाफ ऑफ द पोर्शन इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो सो देन व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हमने कर दिया। चलिए और वेरिएशन देखते हैं, इसमें ध्यान रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैपेसिटर हैविंग एयर इज कैपेसिटेंस सी, तो सी निकाल लिया, देन हाफ ऑफ द कैपेसिटर फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, देन द न्यू कैपेसिटेंस, तो आधा डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भरते ही दो बन गए, दोनों का निकाल लिया, अब न्यू कैपेसिटेंस जो सी डैश आई वो इतनी आई, तो सी के टर्म में हमने लिख दिया और कुछ नहीं किया। एक और क्वेश्चन इसमें बताता हूँ, वो कर लेना, इसका मतलब आपका ये डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कर लेंगे डाइलेक्ट्रिक। प्लेटों के बीच डिस्टेंस डी होती है, पूरी डी होती है, हमने क्या किया डी बाई टू में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, दूसरे डी बाई टू में अलग डाइलेक्ट्रिक भर दिया, और इसमें अलग डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तीन डाइलेक्ट्रिक हुई है। हम के वन के टू के थ्री ले लें, थोड़ा इजी कर लें, चलिए के वन के टू और एप्सिलॉन आर वन एप्सिलॉन आर टू एप्सिलॉन आर थ्री जगह हमने के वन के टू और के थी ले लिया, बार बार एप्सिलॉन आर बनाते बनाते बोर हो गया। कैपेसिटर कितने पहले ये देख के बताओ, तीन, एक ये वाला और एक ऊपर वाला, तीन कैपेसिटर है, तीनों की कैपेसिटेंस लिख लो पहले, चलिए कैपेसिटेंस लिखना हमने बताया तुम्हें, इसकी लिखो पहले इस वाले की नीचे वाले की, सी वन नाम देते हैं, बोलो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर में लिखे क्या भैया, पी वन अपॉन डी वाई टू, ध्यान से देखिए, एक ही जगह पी वाई टू आएगा, इसका कैपेसिटेंस कितना है इस वाले का, इतने का एरिया ए बाई टू, डिस्टेंस डी बाई टू, और फार्मूला आपके सामने था ए, एक ही जगह ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर, वहां के वन आ गया अपॉन डिस्टेंस डी बाई टू, ऐसी सी टू लिखो इसका, ए की जगह ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट के टू अपॉन डी की जगह सी थ्री लिखो, ये सी थ्री ए की जगह ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट के थ्री अपॉन डी, यहाँ डिस्टेंस यहाँ से आता कि डी है पूरी है, डी बाई टू डी बाई टू डिवाइड हो रही थी, ये तीन कैपेसिटर है, आप देखो यहाँ डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, तो ये दोनों सीरीज में है,
ये और ये सीरीज में इनका एक निकालो कि पूरा एक बन जाएगा, फिर ऊपर वाला और ये नीचे वाला किसमें जाएंगे पैरेलल में, ध्यान से देखिए, ये दोनों सीरीज में सी वन और सी टू सीरीज में, तो दो का एक आ जाएगा ना, जो भी आएगा ये फिर ऊपर वाला और नीचे वाला, नीचे वाले में दो है ना, तो पहले दो को एक कर लो ना, दोनों सीरीज में दोनों को सॉल्व करके एक का एक्स्ट्रा बना लो ना ये पूरा, फिर ऊपर वाला और नीचे वाला किसमें है पैरेलल में, तो पहले हम इन दोनों का निकाल लेंगे, C1 and C2 आर इन सीरीज, C1 और C2 सीरीज में है, वन अपॉन सी डैश बराबर वन अपॉन C1 प्लस वन अपॉन C2, वन अपॉन करेंगे पलट दो, B अपॉन A ε₀ K1 प्लस B अपॉन A ε₀ K2, तो B अपॉन A ε₀ कॉमन आ जाएगा K1 प्लस 1 अपॉन K2, D अपॉन A ε₀ एलसीएम आ जाएगा K1 K2 K2 प्लस K1, ये हो गया 1 अपॉन C, सी डैश हो गया, तो सी डैश बराबर के लिए फल तो A ε₀ अपॉन D K1 K2 अपॉन K1 प्लस, क्या दिया इन दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालिए, दोनों सीरीज में थी, आंसर आ गया। अब ये दोनों का एक हो गया, आपके पास एक ऊपर है कैपेसिटर और एक नीचे है, नीचे दो का एक कर लिया है, ये C3 है और ये C डैश का मतलब इन दोनों का एक C डैश, अब ये दोनों पैरेलल में है, C3 ये वाला कैपेसिटर और नीचे वाला दोनों का एक, जो हमने C डैश निकाला दोनों किसमें है पैरेलल में, निकालो फाइनली, हटा देता हूं इसको मैं, अब ये हो गया इनका काम, अब सी डैश वाला एंड C3 आर इन पैरेलल, पैरेलल है इफेक्टिव कैपेसिटेंस सी, फाइनली सी डैश प्लस C3, सी डैश ये रहा A ε₀ अपॉन D K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस C3 ये रहा A ε₀ K3 अपॉन, अब इनको सॉल्व कर लो क्या कॉमन आ रहा है, A ε₀ अपॉन D कॉमन ले लो, तो फाइनली C बराबर A ε₀ अपॉन D कॉमन आ गया, ब्रैकेट मारो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये तो ये बचा, यहां से बचा K3 बाई 2 प्लस K3 बाई, ये फाइनल आंसर आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर और देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कुछ नहीं करना, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस देखनी है, प्लेटों का एरिया देखना है, कौन कितना डिवाइड हो रहा है, C1, C2, C3 सब लिख लो, उसके बाद सीरीज पैरेलल बता दिया, अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही है प्लेटों के बीच में इस तरह से डाइलेक्ट्रिक बना के डिस्टेंस डिवाइड हो रही है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और अगर प्लेटों के बीच में एरिया डिवाइड हो रहा है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज पैरेलल का फार्मूला आपको पता आप निकाल देंगे। अब इसमें हमने कहा था ना, एक तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम लेंगे और एक लेंगे प्लेट प्रॉब्लम, अब हम चलते हैं प्लेट प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्लेट प्रॉब्लम, एकदम खतरनाक ट्रिक्स के साथ हम आपको बता रहे हैं, प्लेट प्रॉब्लम पे आइए, प्लेट प्रॉब्लम दो तरह की हो सकती है, तीन तरह की हो सकती है, सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन मैं एक रामबाण तरीका तुम्हें बताऊंगा जिससे आप कोई भी प्लेट प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। मैंने क्या बताया, सबके अलग अलग तरीके हैं, प्लेट प्रॉब्लम की बात हो रही है, प्लेट प्रॉब्लम, चलिए जनरली तो दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक तो जब प्लेटें ऑल्टरनेटिवली अरेंज हो, देन प्लेट्स आर ऑल्टरनेटिवली अरेंज, ऐसे कैपेसिटर को हम कहते हैं गैंग कैपेसिटर, गैंग कैपेसिटर,
रेडियो टेलीविजन में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसमें अल्टरनेटिव प्लेट लगी होती है। जैसे अल्टरनेट का मतलब इस तरह से, देखो ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, तो जो एक प्लेट बी की तरफ से आ रही, दूसरी ए की तरफ से आ रही, फिर बी की तरफ से आ रही, फिर ए की तरफ से आ रही, ये अल्टरनेट स्टेट रेंज है। ए बी, ए बी लिखो, बी की लिखो, प्लस माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो अल्टरनेटिव भी अरेंज प्लेट है, एक इधर से, दूसरी इधर से, तीसरी इधर से, और इधर से। इसको कहते हैं गैंग कैपेसिटर, ठीक है ना। इसको करने का एक शॉर्टकट तो यही है कि सी इफेक्टिव जो आएगा, सी इफेक्टिव इक्वल टू एन माइनस वन इंटू सी, सबसे सरल रहेगा। इफेक्टिव कैपेसिटेंस of the plate problem when plates are alternatively arranged, उसको कहते हैं गैंग कैपेसिटर या गैंग कंडेंसर। उसका फॉर्मूला होता है n माइनस वन इंटू सी, जहां n है नंबर ऑफ प्लेट्स, n क्या है नंबर ऑफ प्लेट्स। अब यहाँ प्लेटें alternatively arranged हैं, आप डायरेक्ट n माइनस वन सी फॉर्मूला लगा सकते हैं। प्लेटें कितनी, एक दो तीन और चार, तो चार नंबर ऑफ प्लेट, चार में से क्या थ्री, इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी इफेक्टिव इक्वल टू कितनी प्लेटें हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ, सी इफेक्टिव कितना आएगा, एट सी प्लेटें नौ है, एट सी की जगह एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन। लेकिन मैंने कहा ना प्लेट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब ये प्रॉब्लम होता है कि जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में प्लेट्स अल्टरनेटिवली अरेंज हो। ठीक है, 12th तक का कोई क्वेश्चन इस तरह अल्टरनेटिवली हो सकता है, लेकिन नीट या जेई में आएगा ना तो अल्टरनेटिवली अरेंज नहीं होगी, तो वहां पर आपका फार्मूला फेल। तो अब हम एक ऐसा फार्मूला देने जा रहे हैं जिसमें प्लेटें चाहे अल्टरनेटिवली हो तो भी वो लग जाएगा, अल्टरनेटिवली नहीं है तो भी लग जाएगा, ए और बी टर्मिनल से सारी प्लेटें नहीं लगी, किसी और से भी लगी है तो भी हो जाएगा। तो रामबाण फार्मूला है प्लेट प्रॉब्लम का, रामबाण फार्मूला, कैसा ही क्वेश्चन करना उससे, मैं सारी तरह के क्वेश्चन उससे करा के बताऊंगा। अल्टरनेटिव है तो भी, अल्टरनेटिव नहीं तो भी, और प्लेटें दो टर्मिनल के अलावा किसी तीसरे से भी लगी है तो भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं तीन अलग अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है ना, और इससे करेंगे हम, इससे नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ जब प्लेटें अल्टरनेटिवली अरेंज है तभी ये फार्मूला कारगर है गैंग कैपेसिटर, नहीं तो ये फार्मूला कारगर नहीं है। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो सबके लिए रामबाण प्लेट प्रॉब्लम, अल्टरनेटिवली अरेंज है तो ये हो गया आपका। अब प्लेट प्रॉब्लम का एकदम रामबाण तरीका है, बिल्कुल रामबाण, रामबाण समझते हो, अचूक, भगवान राम जी ने बाण चला दिया वो तो फिर लगेगा ही जाकर के, ठीक है ना, उससे तो समस्या सॉल्व होनी है। रामबाण तरीका है, देखिए कैसे करते हैं इसको, एकदम फाड़ू मेथड इसको कहते हैं ना, फाड़ू मेथड, रैपचिक मेथड। चलिए हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं रामबाण तरीके से, उसमें हम, मैंने कहा ना हर तरह का क्वेश्चन उसी से करेंगे। अब हमने क्वेश्चन यही ले लिया अभी जो आपने ऑल्टरनेटिव वाला लिया था, ये प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी 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 होगी, ये ए है और ये बी है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना बिटवीन ए एंड बी। दूसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये ए है और ये बी है, इसमें प्लेटें ऑल्टरनेटिवली अरेंज नहीं, देखो एक ए से आई फिर ये बी से आई फिर वापस फिर बी से आई, अल्टरनेटिव भी नहीं है। और एक क्वेश्चन हमने ले लिया है, चलिए ये ए टर्मिनल से लगा है, ये
बीच ही लगा है। एक प्लेट ये ए से जुड़ी है, ये बी से जुड़ी है, और ये प्लेट ना ए से ना बी से, मतलब हर तरह का क्वेश्चन मैंने इसमें ले लिया है। ध्यान से समझना, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। प्रॉब्लम हजारों तरीके की होती है, ठीक है ना, क्योंकि सारा कुछ बताना संभव नहीं, लेकिन मैं सारे आपको टिप्स दे रहा हूँ और सारे टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस करनी, ठीक है ना। चलिए, इसमें प्लेटें अल्टरनेटिवली अरेंज, लेकिन मैंने कहा ये डायरेक्ट हो सकता है थ्री सी, एक दो प्लेट को नंबर दे दो ना, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, ये डायरेक्ट हो सकता था थ्री सी, लेकिन मैंने कहा हम उस मेथड से नहीं करेंगे। हमें क्या करना, देखिए हमने बताया था सर्किट को रीअरेंज करना, कहां पर, जब पहला वीडियो लेक्चर नहीं दूसरा वीडियो लेक्चर हमने दिया था, उसमें कहा था सर्किट को रीअरेंज कैसे करते हैं। अगर आप समझ नहीं आए, यहां पर भी रीअरेंज ऑफ प्लेट्स है, रीअरेंज ऑफ प्लेट्स, हम प्लेटों को यहां पर रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे। ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिखेगा ही नहीं हमें, हमारे सामने एकदम एग्जैक्ट सर्किट आ जाएगा कि वास्तव में ये सर्किट क्या है, मजा आ जाएगा एकदम। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, मैं प्लेटों को भी रीअरेंज करूंगा। लोग अपने अपने मेथड बताते हैं, हमारा अपना मेथड है। चलिए, सबसे पहले जिन दो पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना, जिन दो पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना, वो पॉइंट बना लो, ए और बी के बीच निकालना, ए पॉइंट बना लिया और बी पॉइंट बना लिया, राइट। अब देखिए ए के पास कौन कौन से नंबर की प्लेटें, लिख लो, ए के पास है दो नंबर और चार नंबर की प्लेटें, यहां दो और चार लिख लो, दो और चार। बी के पास कौन कौन से नंबर की प्लेटें, एक और तीन, एक और, कोई दिक्कत हो तो बता देना, अभी तक तो नहीं आई ना। ए और बी के बीच इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाली, तो ए और बी बना दो फर्स्ट और लास्ट, जैसे रीअरेंज हम करते थे। ए के पास कौन कौन से नंबर की प्लेटें, बी के पास कौन कौन से नंबर की प्लेटें, आप लिख दो। अब आपको ऊपर से नीचे आना है, नंबरिंग आपने ऊपर से ही दी है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक दो तीन चार। अब आपको सीढ़ियां उतरनी है, एक नंबर से दो पे आओ, दो से तीन पे आओ, तीन से चार पे जाओ, जंप मत लगा देना, गिर जाओगे, कमर टूट जाएगी, तो जो बताया जा रहा है उसको करना। एक से दो पे आना, एक से दो पे आओ, फिर दो से तीन पे आओ, फिर तीन से चार पे आओ। अब ये एक दो तीन चार आपको यहाँ दिखेंगे, एक से दो पे जाओ, ये रहा एक नंबर, ये रहा दो नंबर, एक से दो पे जाने का मतलब ध्यान से समझिए, बिल्कुल एक से दो पे ये कैपेसिटर बन गया। अब दो से तीन पे जाओ, दो यहां है तीन यहां है, दो से तीन जाओ, चलो ऐसे कर लो, दो इधर है तीन इधर, दो से तीन। ध्यान रखना इसमें बहुत सारी चीजें हैं, चार्ज या पोटेंशियल जब हम निकालेंगे प्लेट प्रॉब्लम का ना, मिसलेनियस का एक सीरीज का हम एक वीडियो लेक्चर अलग से डालेंगे, उसमें मिसलेनियस प्रॉब्लम होगी। जैसे दो प्लेटें दो तरफ आ चुकी है, ये दो नंबर इधर भी आ गई, दो नंबर और दो बार आ चुकी दो नंबर प्लेट। चलिए अब हम एक से दो पे गए, एक से दो पे गए, फिर दो से तीन गए, अब हम तीन से चार जाएंगे, तीन कहाँ यहाँ है, चार कहाँ यहाँ, फिर तीन से चार जाओ, ये तीन नंबर है, ये चार। अब आपका जो ये प्लेट प्रॉब्लम था वो ऐसा कुछ है, कैपेसिटेंस सबकी सेम होती है, सबकी कैपेसिटेंस सेम होती है, प्लेट प्रॉब्लम सी सी सी। अब आपको नहीं दिख रहा ये तीनों पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू ये सी इफेक्टिव इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, सी प्लस सी प्लस सी थ्री सी, आगे आंसर हुई थ्री एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन। तो मैंने कहा था कि मैं हर क्वेश्चन को इस प्लेट प्रॉब्लम को रामबाण तरीके से करूंगा, इसमें अल्टरनेटिवली अरेंज थी, मैंने सर्किट को ही अरेंज कर दिया, ये वो तीनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी वन प्लस सी टू। अब इस पे आ जाइए, यहाँ जाओ, नंबर दे लो वैसे ही, एक दो तीन और क्या बताया था, ए और बी पॉइंट बना लो, ये रहा ए पॉइंट और ये रहा बी पॉइंट। ए के पास कौन कौन से नंबर की प्लेटें, एक और चार, बी के पास कौन कौन से नंबर की प्लेटें, दो और तीन। अब मैंने कहा था आपको सीढ़ियां उतरनी है, एक से दो पे आओ, ये एक रहा ये दो रहा, एक से दो पे जाओ, चलिए एक से दो पे गए। अब दो से तीन पे जाना है, दो
दो से तीन, और दो भी यही तीन भी है, मतलब आपको नहीं जाना दो से तीन पे जाने, मतलब दो और तीन एक ही जगह है, खेल खत्म, दो से तीन पे, दो और तीन ही खेल खत्म हो गया, दो से तीन का काम तमाम हो गया, कुछ नहीं करना है। अब तीन से चार पे जाना है, तीन ये रहा चार ये रहा, तीन और ये चार, तो ये सर्किट इस तरह से बना है। अब इसमें दो पैरेलल में है सिर्फ, तो C equivalent equal to C1 plus C2, मतलब C plus C, मतलब 2C, we are 2 epsilon naught E upon D, 2C है। अब जैसे ही बच्चा ये दो क्वेश्चन करता है, उसके दिमाग में क्या आता है, प्लेट प्रॉब्लम, चाहे जैसे यहाँ तो पैरेलल भी बनते हैं कैपेसिटर, सब C1 plus C2 plus C3 plus C4 करते हैं, ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने आगे एक प्रॉब्लम और दिया है, नहीं तो दिमाग में क्या चल जाता है, सारे जितने भी कैपेसिटर लगे सब पैरेलल में ही शायद जुड़ते होंगे, ऐसा नहीं है सारे पैरेलल में जुड़ते हैं। चलिए उस पर आइए, खतरनाक, मैंने कहा नंबर दे दूं प्लेटों को, एक दो तीन चार, चार प्लेटें हैं जिनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, उन पॉइंट्स को बना लो जिनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ए और बी, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी, कोई दिक्कत नहीं। ए के पास कौन कौन सी प्लेटें हैं लिख लो, ए के पास भाई एक ही प्लेट है, दो नंबर की प्लेट लिख लिया। बी के पास कौन कौन सी प्लेटें हैं, बी के पास भी एक ही प्लेट है, तीन नंबर की प्लेट लिख ली है। प्लेटें बची हैं अभी, हाँ बची हैं ना, कौन कौन सी, एक नंबर और चार नंबर की प्लेटें अभी दो बाकी पड़ी हैं। अब ये दोनों ही प्लेटें ना ए के पास है ना बी के पास, लेकिन एक ही पॉइंट से कनेक्टेड हैं, एक नंबर और चार नंबर आपस में कनेक्टेड हैं, एक ही जगह पर हैं। एक जगह कोई और बना लो, हमने सी पॉइंट ले लिया, ये रहा सी पॉइंट, यहाँ एक नंबर भी है और चार नंबर भी। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट और लास्ट किसको बनाना है, जिनके बीच में इफेक्टेड कैपेसिटेंस निकालना है, ए और बी या पी क्यू या प्लस माइनस को निकाल दिया, उनके पास कौन कौन सी प्लेट लिखी, उसके बाद बची हुई प्लेटें किसी और के पास होंगी, सारी इकट्ठी है तो सारी से ये एक और चार एक ही जगह कनेक्ट है दोनों, तो हमने एक और चार एक ही जगह, ऐसा भी हो सकता था कि ये किसी और के पास हो, आपके पास सी पॉइंट भी हो सकता था, आपके पास डी पॉइंट भी हो सकता था, समझ गए ना, इसमें रटने की बात नहीं कि ए बी दो ही पॉइंट होंगे या ए बी सी तीन ही पॉइंट होंगे, मैंने कहा इट इज द रीअरेंज ऑफ द सर्किट, सर्किट रीअरेंज करते ए बी सी डी कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं। तो चलिए इसके बाद आपके पास फिर वही काम है, एक से दूसरे नंबर पे जाओ, एक से दो पे जाओ, ये रहा एक और ये रहा दो, एक से दो तो ये बनेगा, ये एक हो गया और ये दो हो गया, एक से दो पे गए, दो से तीन पे जाओ, ये दो यहां है तीन यहां है, दो से तीन पे गए, भाई दो से तीन पे। अब तीन से चार पे जाओ, ये तीन और ये चार है, तीन और ये हो गया, क्या कुछ है इसमें क्या, अब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, जो आए इनका सीरीज में उसके साथ ये नीचे वाला किसमें है पैरेलल में, तो जो भी आपके ध्यान था सारे पैरेलल में ही आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखो यहाँ पर तुरंत चेंज हो गया, ये दोनों सीरीज में, सी मैंने कहा ना सारे कैपेसिटेंस सेम होते हैं, सी और सी सीरीज में, मैंने कल से बता रहा हूं जब सेम कैपेसिटेंस सीरीज में होते हैं दो तो कैपेसिटेंस आधी रह जाती है, सी और सी का सी बाई टू आएगा, तो ऊपर हो गया आपका ये हो गया सी बाई टू, ये है पॉइंट और ये, और नीचे ये सी लगा है, ये। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो C equivalent कितना आएगा, C by 2 plus C, 3 by 2 C, समस्या आई क्या, नहीं आई, तो ये एक रामबाण तरीका है जिससे आप कोई भी प्लेट प्रॉब्लम, कोई भी का मतलब कोई भी प्लेट प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर आपने ढंग से सीखा है। तो मैं वापस बता दूं, जितनी भी प्लेट्स दी गई हैं अगर इस मेथड्स करें तो अल्टरनेट हैं या नहीं है, वैसे
मेरा मानना है अगर ऑल्टरनेट है तो फिर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, एन माइनस वन इंटू सी फार्मूला लगा दो, आपका काम हो जाएगा, वो आपको एनी हाउ टाइम बचाना होता है। ऑल्टरनेट अगर अरेंज नहीं है प्लेटें, ठीक है ना, तो आप जिन दो पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना, उन पॉइंट को ना हो ए या बी, ए के पास किस किस नंबर की प्लेटें वो लिख लो, बी के पास किस किस नंबर की प्लेटें वो लिख लो, प्लेटें अगर बचती हैं तो नया पॉइंट सी या डी दे सकते हो, फिर आपको वन बाई वन करना, एक से दो पे जाना, दो से तीन पे जाना, तीन से चार जाना, और इस तरह से आपके नए नए कॉम्बिनेशन बन के सामने आ जाएंगे। फिर आप देख लेना सीरीज है या पैरेलल है या मिक्स्ड है, सीरीज पैरेलल दोनों है, तो उस हिसाब से आप इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का एक नया वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम की है और प्लेट प्रॉब्लम। मैंने कहा ना वीडियो को आप हो सकता दो बार देखना पड़े, तीन बार देख लो, लेकिन दिमाग बहुत सरल है, मैंने बहुत ही सरल तरीके से ये प्लेट प्रॉब्लम आपको सिखाई है। तो आप कोशिश करें सीखने की, एक बार नहीं समझ में दोबारा सीख लें, वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें कि क्या कहा जा रहा है। शॉर्ट नोट्स, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आप कॉपी पेन लेके बैठे, आप शॉर्ट नोट बनाइए, तो आपको एक चीज़ वो बार बार देखनी नहीं पड़ती, आपको दिख जाता है यहाँ भाई इसमें लिखा था और इसी मेथड के यहाँ पर अप्लाई किया गया, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मैंने कहा ना कि एक ही प्लेट, जैसे अगर दो नंबर प्लेट पे चार्ज निकालना हो तो दो नंबर प्लेट यहाँ भी है, दो नंबर प्लेट यहाँ पर भी है, दो नंबर प्लेट के चार्ज पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो आपको यहाँ सब दिख जाता है कि दो नंबर इधर लगा दीजिए प्लस है, इसमें प्लस आएगा इधर, प्लस आएगा इधर, माइनस 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 आएगा, तो किस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, किस प्लेट पे निगेटिव चार्ज रहेगा, आपको आराम से अगर आप नंबर ऑफ प्लेट्स लिखते जाते ना, एक इधर, दो इधर, दो इधर, तीन इधर है, तो आपको ये भी दिख जाएगा कौन सी प्लेट कितनी बार रिपीट हो रही है कहाँ कहाँ पर। तो जब हम उस पर चार्ज निकालेंगे, क्योंकि पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है, तो उस पर इतना चार्ज, इस पर इतना चार्ज, फिर टोटल चार्ज निकालेंगे, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो इसलिए इस मेथड को जो मैंने बताया, जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना, इसमें कोई और नया मेथड घुसेड़ने की कोशिश मत करना, जिसका मेथड फिर उसी तरह से करो सारी चीज़ें, नहीं तो आप बीच में मिक्स कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होंगे जो सीरीज से या पैरेलल कॉम्बिनेशन से नहीं हो सकते हैं, तो मेरा ऐसा सोचना है कि जब हम किरचॉफ लॉ बताएंगे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, वहाँ पर भी हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट किरचॉफ लॉ सॉल्व करेंगे, तो कैपेसिटर में भी किरचॉफ लॉ लगता है। तो हम जब किरचॉफ लॉ पढ़ाएंगे तो वहाँ हम कैपेसिटर में किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करते हैं वो हम वहीं पर बताएंगे, तो वहाँ पर कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जैसे अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में तो कुछ नहीं, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस कर देते हैं, तो जो बीच वाला डायगोनल होता है वो हट जाता है, ऊपर वाले दोनों सीरीज, नीचे वाले दोनों सीरीज आपस में क्या हो जाता है पैरेलल में। लेकिन अगर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बीच वाला डंडा हटेगा नहीं, वो डंडा नहीं हटेगा, वो तुम्हारे लिए फिर डंडे का मतलब अड़ंगा का काम करेगा, तो फिर वहां पर हमें किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ता है। तो किरचॉफ्स लॉ चूंकि हम रेजिस्टेंस में पढ़ाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगला यूनिट वही आने वाला है, तो हम वहीं पर कैपेसिटेंस में किरचॉफ्स लॉ भी पढ़ा देंगे, क्यों, कॉन्सेप्ट एक ही है, पोटेंशियल फॉल हो रहा है या पोटेंशियल राइज हो रहा है, हम कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, तो सेम साइन कन्वेंशन जो हम करंट लेंगे वो यहाँ कैपेसिटेंस में ले लेंगे, तो मेरा मतलब है उस चीज को हम वहीं पर समेट देंगे। तो यहाँ पर जो है ना ये हमने किया था, एक वीडियो लेक्चर इसका और आएगा जिसमें हम कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम कराएंगे आपको, तो आपका और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। और कोशिश करना जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के वीडियो लेक्चर आए उनको ढंग से देख लें, और क्वेश्चन करने की कोशिश करें, किताब लेके बैठें, आपके पास कोई भी किताब हो सकती है, 80% प्रॉब्लम कॉमन होती है सारी बुक्स की। आप बच्चा कहता है ना कि सर कौन सी किताब करनी है, हमें यही पूछना है, तो मैंने कहा तुमने कौन कौन सी कर ली है भाई, अरे कोई एक किताब तो पूरी करो, अगर आपने एस सी वर्मा पकड़ ली है तो आप एस सी वर्मा पूरी करो, फिर अब आप जब कोई दूसरी किताब लेंगे तो आपको सिर्फ 20% क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 80% काम हो जाएगा, लेकिन आप किताबें आपने चार ले ली पूरी एक भी नहीं करते हो, तो इसका मतलब आपका 10% भी काम नहीं होता, पता नहीं आपने उसमें से कौन सा क्वेश्चन किया, इसमें से कौन सा किया। तो आप जो भी किताब पकड़ेंगे उस किताब को पूरा लगा दें, एक किताब पूरी कर दें 100%, फिर जब हम दूसरी किताब लेंगे ना तो उसमें आपको मुश्किल से 20% नई प्रॉब्लम मिलेंगी, तो आपका काम 80% तो पहले ही हो जाएगा ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो देखने के बाद लाइक करना मत भूलिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।